नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। मैं फिर से कुछ ट्रिक्स आपके पास लेकर आया हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि और लोगों तक भी ये पहुँच सकें। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी ट्रिक, बहुत शानदार ट्रिक मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ, जिसे आप एक दो बार पढ़ने पर ही तुरंत याद कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन का है, तल रूप का सिद्धांत भी लेविन का है, समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक भी लेविन है, और सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी का है, साइन या चिन्ह का सिद्धांत टॉलमैन का है, संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक भी टॉलमैन है, अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक डेविड आसू बेल, भाषाई सापेक्षता प्रकल्पना के प्रतिपादक वार्फ, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक जॉन बी वाटसन, अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक क्लार्क, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा, पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टेनले हॉल, अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक गेने, विकास के सामाजिक प्रवर्तक एरिक्सन। तो दोस्तों, ये तो हो गए प्रवर्तक, इनको मैं पहले भी डाल चुका हूँ। तो अब इसकी ट्रिक जो मैंने बनाई, उसे आप अगर इनको नोट करके और पहले से नोट करके बैठेंगे तो आपको ट्रिक याद करने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिक। लेविन के क्षेत्र के तल रूप पर समूह गतिशीलता को देखकर, लेविन के क्षेत्र के तल रूप पर समूह गतिशीलता को देखकर, चलिए देखते हैं अब इसमें लेविन के कितने सिद्धांत आ गए। क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन के क्षेत्र के, यानी कि क्षेत्रीय सिद्धांत, तल रूप सिद्धांत, लेविन का तल रूप सिद्धांत, समूह गतिशीलता को देखकर, यानी कि समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक लेविन, गुथरी ने उससे संबंध बना लिए, सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी। मुझे इसमें उससे सामीप्य, सामीप्य और लिखना था यहां पर, मुझे सामीप्य, सामीप्य संबंध बना लिए, गुथरी ने उससे सामीप्य संबंध बना लिए, यानी कि सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत हो गया गुथरी का। तो इसमें तीन लेविन के आ गए, एक गुथरी का आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं। अब डेविड आसू बेल ने इस अग्रिम संगठन को देखा तो उसने टोलमैन से कुछ संभावित चिन्ह बनवा लिए। अब डेविड आसू बेल ने इस अग्रिम संगठन को देखा तो उसने टोलमैन से कुछ संभावित चिन्ह बनवा लिए, यानी कि साइन या चिन्ह का सिद्धांत टॉलमैन का, टॉलमैन से कुछ संभावित चिन्ह बनवा लिए, और अब संभावना सिद्धांत टॉलमैन का, अब इसमें दो आ गए टॉलमैन के,
चिन्ह का सिद्धांत और संभावना का सिद्धांत, टॉलमैन के दो सिद्धांत हो गए। और अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक आ डेविड आसू बेल। तो इसमें दोनों क्लियर हो गए, डेविड आसू बेल ने इस अग्रिम संगठन को देखा। तो अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक हो गए डेविड आसू बेल। अब चलिए आगे चलते हैं। और अल्बर्ट अल्बर्ट बंडूरा इस स्टोरी का सामाजिक अध्ययन करने लगा। यानी कि अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत हो गया कौन सा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। और भाषाई सापेक्षता के लिए उसने वार्प को अपने साथ मिला लिया। तो वार्प का कौन सा हो गया, भाषाई सापेक्षता। परिकल्पना के प्रतिपादक वार्फ हो गए। अब आगे क्या हुआ, आगे वाटसन मनोविज्ञान के व्यवहार को जानता था। मनोविज्ञान का व्यवहार किसका हो गया, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक वाटसन। जबकि क्लार्क को अधिगम के व्यवहार में रुचि थी। तो अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक क्लार्क, स्टेनले हॉल ने फिर से इसकी पुनरावृत्ति कर डाली। तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत हो गया स्टेनले हॉल। गेने ने इसके छोटे छोटे सोपान बनाकर एरिक्सन से कहा, तुम विकास के समाज का निर्माण करो। तो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक बंडूरा हो गए। और अधिगम सोपान की के प्रतिपादक गेने ने इसके छोटे छोटे सोपान बनाकर, यानी अधिगम सोपान की के प्रतिपादक। एरिक्सन से कहा, तुम विकास के समाज का निर्माण करो। तो विकास के सामाजिक प्रवर्तक एरिक्सन। तो इसी के साथ दोस्तों आज की जो ट्रिक है इसका यहीं पर मैं समापन करता हूँ। आगे कुछ प्रतिपादक और बचे हैं, उनकी मैं ट्रिक बनाकर डालूंगा 3 या 4 दिन बाद। तो तब तक आप इसे जो है क्लियर कर लें। और बहुत अच्छी मैंने ट्रिक बनाई है, गागर में सागर भर दिया है। ये 4-5 लाइन आपको क्लियर करवा देंगी। तो इसी के साथ मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे जो वीडियोस को लाइक शेयर अवश्य करें। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, आगे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।